दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी इस्लामिक भाई बहनों को ईद उल अजहा यानी कि बकरीद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में बकरीद की मुबारकबाद लिख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको 11 ऐसे काम बताने वाले हैं जिनको आप कल यानी कि बकरीद के दिन जरूर करें, क्योंकि बकरीद के दिन यह तमाम काम हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी किया करते थे। इसलिए आज का यह वीडियो आप तमाम इस्लामिक भाई बहनों के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन मेहरबानी करके इसे शेयर जरूर कर दें ताकि बकरीद से पहले पहले यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों बकरीद का त्यौहार ईद उल फित्र के बाद में इस्लाम का दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार है। यह त्यौहार सुन्नत इब्राहिमी और ईद कुर्बा के नाम से भी जाना जाता है। जिस तरह से ईद उल फित्र रोजा रखने की खुशी में मनाया जाता है, उसी तरह से ईद उल अजहा हज पूरा होने की खुशी में मनाया जाता है। ईद उल फित्र के गुजरने के 70 दिनों के बाद में यानी कि 2 महीने 10 दिनों के बाद में बकरीद का त्यौहार मनाया जाता है। यह अल्लाह ताला का हम मुसलमानों पर एक बहुत बड़ा करम है। बकरीद के दिन तमाम मुसलमान सबसे पहले ईदगाह में जाकर ईद की खास नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद में घर आकर हलाल जानवर की कुर्बानी करते हैं। याद रखें, कुर्बानी करना हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का सुन्नत तरीका है। आज से तकरीबन 4000 साल पहले अल्लाह के हुक्म से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने प्यारे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी दी थी। हालांकि अल्लाह के हुक्म से हजरत इस्माइल की जगह पर एक दुम्बा आ गया था और वो कुर्बानी उस दुम्बे की हो गई थी, लेकिन तभी से उस दिन की याद में मुसलमान अल्लाह की राह में हलाल जानवर की कुर्बानी देने लगे हैं। यही वजह है कि बकरीद का दिन हम मुसलमानों के लिए एक बहुत खास दिन है, क्योंकि बकरीद का दिन अल्लाह ताला से इनाम हासिल करने का दिन होता है। इस दिन अल्लाह ताला से सच्चे दिल से जो भी मांगा जाता है अल्लाह पाक उसे जरूर अता करता है। यानी कि बकरीद के दिन अल्लाह ताला अपने हर बंदे की दुआ को कबूल करता है। इसलिए याद रखें, बकरीद का दिन मुसलमानों के लिए एक बहुत खास दिन है। इस दिन मुसलमानों को चाहिए कि वो कोई भी ऐसा वैसा फिजूल काम ना करें जिससे अल्लाह नाराज़ होता हो, बल्कि हमें चाहिए कि हम वो काम करें जिनको हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरीद के दिन किया करते थे। अब हम आपको वो 11 काम बताते हैं जिनको बकरीद के दिन अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। इसलिए इन 11 काम को हम सबको भी जरूर करने चाहिए। नंबर 1, गुसल करना। दोस्तों सबसे पहला काम है गुसल करना। आप बकरीद के दिन गुसल जरूर करें। गुसल का मतलब सिर्फ नहाना नहीं है, यानी कि सिर्फ साबुन और पानी से नहाने का नाम ही गुसल नहीं है, बल्कि आप बकरीद के दिन पाक साफ होने के लिए खास गुसल करें। क्योंकि याद रखें, बकरीद के दिन गुसल करना भी हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अहम सुन्नत है। नंबर 2, पाक साफ कपड़े पहनना। दोस्तों दूसरा काम है बकरीद के दिन पाक साफ कपड़े पहनना। इसका मतलब ये नहीं है कि नए कपड़े हो यानी कि नए कपड़े होंगे तभी बकरीद होगी, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपके पास में जो भी सबसे अच्छे और जो सबसे बेहतरीन कपड़े हों और वो पाक साफ हों, तो आप बकरीद के दिन उनको पहन लें और ईदगाह में जाकर ईद की खास नमाज अदा कर लें। नंबर 3, इत्र यानी कि खुशबू लगाना। दोस्तों तीसरा काम है इत्र यानी कि खुशबू लगाना। याद रखें, बकरीद के दिन पाक साफ कपड़े पहनना, इत्र लगाना भी अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अहम सुन्नत है। इसलिए हम सबको भी चाहिए कि अगर हमारे पास में इत्र मौजूद हो तो हम बकरीद के दिन इत्र जरूर लगाएं और उसके बाद में ईदगाह में जाकर ईद की नमाज पढ़ें। नंबर 4, मिसवाक करना। दोस्तों चौथा काम है मिसवाक करना। याद रखें, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरीद के दिन खास गुसल करते थे और खुशबू लगाते थे और उसके बाद में मिसवाक भी करते थे। इसलिए हम सबको भी चाहिए कि हम भी बकरीद के दिन मिसवाक जरूर करें। नंबर 5, ईदगाह जल्दी जाना। दोस्तों पांचवा काम है बकरीद के दिन ईदगाह में जल्दी जाना और हो सके तो पैदल जाना। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आप ईदगाह में पैदल ही जाएं, यानी कि किसी सवारी से ना जाएं, क्योंकि ईदगाह में जल्दी जाना और पैदल चलकर जाना भी हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। नंबर 6, तकबीर कहते हुए जाना। दोस्तों छठा काम है ईदगाह में जाते वक्त तकबीर कहते हुए जाना। यानी कि आप बकरीद के दिन ईदगाह में जाएं तो पूरे रास्ते तकबीर पढ़ते हुए जाएं, क्योंकि बकरीद के दिन घर से नमाज की अदायगी तक बुलंद आवाज में तकबीरात पढ़ना भी अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इसलिए आप बकरीद के दिन जब नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह की तरफ जाएं तो रास्ते में अल्लाह अकबर पढ़ते हुए जाएं। नंबर 7, गरीबों की मदद करना।
दोस्तों सातवां काम है बकरीद के दिन गरीबों की मदद करना, यानी कि बेसहारा और ज़रूरतमंदों की मदद करना। क्योंकि याद रखें, बकरीद के दिन गरीबों की मदद करना, सदका और खिरात करना भी अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इसलिए हम सबको भी चाहिए कि हम भी कल यानी कि बकरीद के दिन गरीबों की खूब मदद करें, सदका और खिरात करें। नंबर 8, खाली पेट ईदगाह में जाना। दोस्तों याद रखें, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी ईद उल फितर की नमाज़ पढ़ने ईदगाह में जाती तो घर से कुछ मीठा खाकर जाना पसंद करती थी। मगर जब ईद उल अजहा यानी कि बकरीद का दिन आता तो आप अपने घर से कुछ भी ना खाकर जाती, यानी कि खाली पेट ही नमाज़ पढ़ने के लिए ईदगाह में जाती और फिर नमाज़ पढ़कर वापस अपने घर आती और कुर्बानी करती और उसके बाद में कुर्बानी का गोश्त तनाउल फरमाती। इसलिए हम सबको भी चाहिए कि हम भी कल यानी कि बकरीद के दिन ऐसा ही करें। नंबर 9, घर से वजू बनाकर जाना। दोस्तों नौवां काम है घर से वजू बनाकर ईदगाह में जाना और सुबह की नमाज यानी कि फजर की नमाज अपने मोहल्ले की मस्जिद में पढ़ना। और अल्लाह के नबी जब भी ईदगाह में जाती तो रास्ता तब्दील करके जाती, यानी कि ईदगाह में जाते वक्त आप जिस रास्ते से जाते थी वापस उसको तब्दील करके आती थी, यानी कि बदल कर आती थी। इसलिए हम सबको भी चाहिए कि कल यानी कि बकरीद के दिन हम भी अपने घर से ही वजू बनाकर ईदगाह में जाएँ और रास्ता तब्दील करके जाएँ। नंबर 10, खुतबा गौर से सुनना। दोस्तों दसवां काम है ईद उल अजहा यानी कि बकरीद के दिन खुतबा गौर से सुनना। मगर कुछ लोग हैं जो बकरीद के दिन दो रकात नमाज पढ़कर निकल जाते हैं या फिर जब खुतबा शुरू होता है तो उसको गौर से नहीं सुनते हैं, दुनियावी बातों में लग जाते हैं। इसलिए याद रखें, कल यानी कि बकरीद के दिन आप यह गलती भी बोलकर भी ना करें, बकरीद के दिन आप खुतबे को गौर से सुनें। और नंबर 11, मुसाफा करना। दोस्तों ग्यारहवा और आखिरी काम है मुसाफा करना और बकरीद की मुबारकबाद देना। याद रखें, बकरीद के दिन मुसाफा करना और ईद की मुबारकबाद देना भी अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अहम सुन्नत है। इसलिए हमको भी चाहिए कि हम भी ईद के दिन मुसाफा ज़रूर करें और ईद की मुबारकबाद दें। और दोस्तों इसके अलावा आप बकरीद के दिन यह भी कोशिश करें कि जो लोग या जो आपके रिश्तेदार किसी वजह से आपसे नाराज़ चल रहे हैं तो आप उनके पास में जाएँ और उनसे सुलह करने में पहल करें और आप अपनी तरफ से उन सबको माफ़ कर दें। बेशक यह काम आपके लिए थोड़ा मुश्किल ज़रूर होगा, लेकिन आप इस दुनिया के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की रजा के लिए ऐसा करने की ज़रूर कोशिश करें। उसके बाद में आप अपने आसपास में अपने इर्द गिर्द जो गरीब लोग हैं उनको भी आप अपनी खुशियों में शामिल करने की ज़रूर कोशिश करें। आप अपने अच्छे अखलाक से, अपनी अच्छी बातों से, अपने माल और दौलत से, हर तरह से आप उन्हें अपनी खुशियों में शामिल करने की पूरी पूरी कोशिश करें और उनकी दुआओं में शामिल होने की कोशिश करें। दोस्तों याद रखें, बकरीद के दिन तमाम मुसलमानों के लिए एक बहुत खास दिन है। इस दिन अल्लाह खुश होकर अपने गुनाहगार बंदों की मगफिरत फरमाता है और अपने बंदों की हर जायज दुआ को कबूल करता है। इसलिए आप कल यानी कि बकरीद के दिन यह 11 काम ज़रूर करें, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी।